अस्सलाम वालेकुम भराओ, क्या हाल है? ठीक हो? तकड़े मस्त राजी? ई वीडियो सऊदी अरब जहाँ कुछ खबरें सुन शेयर करना वा। पहली खबर इन्हें भरावे कितने वे जेरे निजरान या निजरान दे नाल नाल इलाके में रहा वेन। पाकिस्तानी कौंसलर टीम निजरान आँधी पी है 26-27 नवंबर को डू जाड़े इंदा उतना क्याम हो जुम्मे ते हफ्ते वाले जाड़े जेरे भरावे दे पासपोर्ट खत्मन, शनाख्ती कार्ड खत्मन या सफारत खाने दे कोई बे मसले वेन, वो इन्हें कोलो हल करवा सकते वेन। जुम्मे वाले जाड़े 26 नवंबर 2021 को सवेरे 8:30 बजे ने गेंदते 11:30 बजे तक, वाला जुम्मे वाले जाड़े ऊँ हिंदे 2:30 बजे ने गेंदते 5:00 बजे तक ये टीम काम करे सी। हफ्ते वाले जाड़े 27 नवंबर 2021 को सवेरे 8:30 बजे ने गेंदते 12:00 बजे तक ये टीम काम करे सी। ई टीम जरी जहाते आवने निजरान होटल निजरान ते इन्हें राबता नंबर ये स्क्रीन दे उत्ते मैं सो कोई देना पाया वा, ये तो लिस्ट पूरी देख सकते हो। नाल खसूसी हिदायती कीती ने सऊदी हुकूमत जारी करदा एहतियाती तदबीर दे उत्ते अमल करते आसो। बी खबर सऊदी वजारत सेहत के हवाले नाल है। सऊदी वजारत सेहत के तर्जमान दसाए सऊदी अरब बूस्टर डोज कीते 2 वैक्सीना मंजूर कीतिया गए, फैजर ते मडरोना। इन्हें दी मंजूरी मिल गई है, इन्हें डू तो कोई एक त्रीजी खुराक के तौर पर लवा सकता है। त्रीजी बूस्टर डोज लवावन जरूरी है जेरे अफराद कोरोना वैक्सीन या डू खुराक लवाए हुए 6 महीने ने को गुजर चुके वेन, वो बूस्टर डोज लवा सकते वेन। हूँ संगत उन त्रीजी खुराक कोरोना दी लवानी जरूरी थी गए सऊदी अरब, जेरे बिरा पहले डू खुराक लवाई खड़े हो ते डू जी खुराक को 6 महीने गुजर गए लवाए हुए, त्रीजी खुराक मडरोना या फैजर लवा सकते हो। ये लवावन जरूरी इन्हें बंदियाँ किते वे जेरे सऊदी अरब तेन, जेरे बिरा पाकिस्तान खड़े उन्हें कितने हाल ही तक उगो कानून है डू खुराकें आला। अगर चाइना वाले लवाई खड़े हो तो उन्हें उत्तों बूस्टर डोज लवाओ फैजर दी। बी खबर कल मक्का मुकरमा बारिश थी है ते बारिश के दौरान उमरा ज़ायरीन खाना काबा का तवाफ ही करेंदे रह गए ते अपनी नमाज ही अदा की ने। बारिश के मनाजिर की वीडियो ही सोशल मीडिया के उत्ते वायरल है जेरे अल अखबारिया टीवी चैनल अपनी टीवी के उत्ते दिखाइए। ज़ायरीन बारिश के दौरान सुकून ते इत्मीनान के नाल दुआ ते इबादत मशगूल रह गए। सऊदी अरब अजकल बारिश का मौसम चलता पे, सऊदी महकमा मौसमियात पहले ही पेशगोई कर चुका तबूक मदीना मनौरा मक्का मुकरमा ते बाद पहाड़ी इलाके में पहले तेज हवा चलसी, इंदे बाद गरज चमक दे नाल बारिश का इम्कान है ते कई जहाते सैलाब की सूरत हाल ही पैदा थी वे सी। बी खबर मदीना मनौरा को है, मदीना मनौरा पुलिस के तर्जमान दसाए घरत खतून को हिरासा करने वाले एक सऊदी शहरी को पकड़ गए थे। ई सऊदी शहरी की वीडियो सोशल मीडिया के उत्ते वायरल आई, ई वीडियो की मदद नाल इन शनाख्त थी है ते वला इकू पकड़िए से। जिथा ई वीडियो दिखी सकता है एक शख्स घरत पेंदा पे ते उथा पे ते खतून नाल छेड़खानी की सी, जेरा वीडियो साफ नज़रदा है। ये हूँ पकड़िया पे सऊदी शहरी है, इब्तदाई कानूनी कार्रवाई कराने के बाद इकू पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिते से। ब्याह भी यो जहाँ वाकया अल शिरकिया थे, अल शिरकिया पुलिस के तर्जमान दसए एक सऊदी शहरी पब्लिक मकामा के उत्ते गाड़ी गुजरेंदे हुए खवातीन को देखते इन्हें दे उत्ते नजीबिया फिक्रे कसियन सी। अल शिरकिया पुलिस के तर्जमान दसए ई वाक्य की वीडियो ही सोशल मीडिया के उत्ते वायरल आई, ई सऊदी शहरी को पकड़े से इब्तदाई कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कराने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के इदारे के हवाले कर दिते से। बी खबर करोना की रिपोर्ट के हवाले नाल है, कल 14 नवंबर को सऊदी अरब 24 घंटे के दौरान 93 नवे मरीज करोना के सामने आए ते ई बीमारी को 73 बंदे ठीक थन ते 2 मरीज अल्लाह को प्यारे थन। करोना के वजह ने मरण वाले मरीजें की जारी तादाद है सऊदी अरब 8,813 है। बी खबर महकमा जवजात के हवाले नाल है, महकमा जवजात को एक पाकिस्तानी पूछे जेरे अफराद जेल के जरिए डिपोर्ट थन अपने मुल्क भेजन तुसा क्या वो दोबारा सऊदी अरब आ सकते वेन। कई वीडियो इस वक्त मैं दसा चुका वहाँ ई बारे वाला तुसा बिरा ही पूछ दे व्हाट्सएप के उत्ते, लेकिन ये सवाल आ गए जवजात को ते जवजात जरा एक जवाब दिता है जेरे गैर मुल्की डिपोर्ट थन अपने मुल्क गए जेल के जरिए ये वाला सऊदी अरब वर्क वीजे ते नहीं आ सकते, सिर्फ उम्रे किते ते हज किते आ सकते, इन्हें अलावा कहीं भी वीजे ते नहीं आ सकते। ई पाकिस्तानी जेरे पूछे ना इकू 6 साल थी चुके वेन
ਡੀਪੋਰਟ ਥਏ ਹੋਏ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਕੋਲ 5 ਦੀ, ਕਈ ਕੋਲ 7 ਦੀ, ਕਈ ਕੋਲ 10 ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਵਾਂ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ 15 ਮਾਰਚ 2021 ਕੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਾ ਹੁਣ ਉਮਰ ਵਾਲੇ, ਹਰੂਪ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਕਾਮੇ ਖਤਮ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਰੂਜ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਉਮਰੇ 'ਤੇ ਹਜ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਖਬਰ ਸਾਊਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੱਸਾਏ ਬੱਸੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਕੋਲ ਮੁਕੰਮਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਊਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਗਿਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1 ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ 2 ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਬੱਸ ਬਿਲਾਵਣ ਦੀ। ਬੱਸੀਂ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਡੋਈਏ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਵਾਈ ਵਧੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਵੱਕਲ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਅਮਿਊਨ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਨੇ ਬੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇ ਸਨ ਉਹ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਮੀ। ਬਾਕੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਾਏ ਅਤੇ ਬਿਨੇ ਭਰਾਵੋ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਏ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।